आज जो बात कही जा रही है सबका साथ सबका विकास सबका विकास, 2022 तक जितने बजट देखे भारत सरकार के सब ग्रोथ ओरिएंटेड। देखे दूध के दाम 1947 में 12 पैसे थे, होगा बाकी तो हम राहुल गांधी को इतना बोलते हैं शादी हो ना हो जल्दी से प्राइम मिनिस्टर बन जाओ। और देखिए आज जो बात कही जा रही है सबका साथ सबका विकास सबका विकास सबका प्रयास, इसके लिए जब होगा जब हमारे देश के अंदर सबके लिए सब कुछ और सबके लिए कुछ ना कुछ हो। मैंने 1947 से लेकर 2022 तक जितने बजट देखे भारत सरकार के सब ग्रोथ ओरिएंटेड, वेलफेयर ओरिएंटेड, प्रोडक्शन ओरिएंटेड, जॉब ओरिएंटेड, अर्बन डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट की बात करी। लेकिन अगर हम सच्चाई में देखें तो ऐसा हमें रूरल डेवलपमेंट दिखाई नहीं दिया। 1947 से लेकर 1975 तक एक ही पार्टी की सरकार थी। तो देखिए दूध के दाम 1947 में 12 पैसे थे, 1975 में 2.50 रुपए हुए और आज 30 नवंबर 2022 में 46 रुपए। तो देखिए इन्फ्लेशन कैसे बढ़ रहा है। इस वक्त पार्टी की बात नहीं है, इस वक्त बात इस बात की है कि देश में हमारी जो प्रदेश सरकारों की अर्थव्यवस्था है उसको केंद्र सरकार की अर्थव्यवस्था से जोड़ा जाए, भारत जोड़ो जब होगा, और जो भारत सरकार की अर्थव्यवस्था है उसे प्रदेश सरकारों के इसमें परिवर्तन होगा या नहीं अभी होगा। देखिए परिवर्तन जब होगा जब नीति के साथ साथ नियत बदलेगी। मैं आलमदार अब्बास साफ बात कहना चाहता हूँ, अंबेडकर जी ने कहा कि ये संविधान का आप कितने अच्छा बना ले, जवाहरलाल नेहरू से भी और के मुंशी भी थे और सरदार पटेल भी थे, संविधान कितना अच्छा, अगर उसका इम्प्लीमेंट गलत होगा तो देश के लोगों का भला नहीं हो सकता। आज संविधान बहुत अच्छा है, संसद बहुत अच्छी है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंट जो है वो ठीक नहीं है। तो क्या कांग्रेस के आने सही हो जाएगी क्या? नहीं बिल्कुल नहीं हो सकता, कांग्रेस की जगह आएगी जब कांग्रेस की नीयत के साथ साथ नीति बदलेगी, लेकिन कांग्रेस की भी नीति के नीयत के साथ साथ नीति नहीं बदली और इसी बात से मैंने कांग्रेस छोड़ी 1940 में। अच्छा तो आप ये 24 में क्या परिवर्तन होगा या नहीं होगा ये बताओ आप। परिवर्तन जब होगा जब नियत के साथ 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 नीति नहीं हो तो आप बताओ, आप बताओ 2024 में क्या लग रहा है परिवर्तन। 2024 में जो 10% वोट और लाने हैं जो पिछली बार के मुताबिक अभी 10% और अगर ये सब लोग मिलकर इलेक्शन करते हैं फ्रंट पार्टी तभी उनका चुनाव होगा, बाकी तो हम राहुल गांधी को इतना बोलते हैं शादी हो ना हो जल्दी से प्राइम मिनिस्टर बन जाओ। अच्छा प्राइम मिनिस्टर बनवाना चाहते हैं, उसके पीछे का वजह क्या है? वजह तो एक ही नहीं है क्योंकि सामने जो लड़ने वाला है वो सब अपफ्रंट सब मिलकर राज सब लड़ रहे हैं, जितने भी पक्ष है सब क्या जितने भी वो भाजपा ने जिसको भी साथ में लेके चले सबको धोखा दिया हुआ है। आज आप यूपी में देख लीजिए, आप बिहार में देख लीजिए, नीतीश जी आज जो भी कर रहे हैं वो सब इकट्ठा कर रहे हैं सबको। अगर वो हो जाता है और 10% वोट अगर पिछली बार से इस बार जुड़ जाता है तो अच्छा लगता है कि चलो इस बार थोड़ी कंपटीशन हो जाए, लेकिन जीतने की उम्मीद तो पूरी भी नहीं है, कम से कम प्रधानमंत्री के नजीक तो पहुंच जाएंगे। तो ये एजेंडा जो भारत जोड़ो यात्रा में शामिल थी और इनसे हमने बात की और भी लोग से बात करेंगे और आपको बताएंगे। धन्यवाद।